फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम देखने वाले हैं साइंस का चैप्टर भोजन के आवश्यक घटक पार्ट 7, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। इससे पहले के पार्ट में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, उसके बाद हम इसके सोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से विटामिन सी के स्रोत हो जाएंगे, स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करें विटामिन सी के रासायनिक नाम की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको याद रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब देख लेते हैं विटामिन सी के कौन कौन से सोर्सेज हो जाएंगे। तो नंबर एक पर आपको याद रखना है आंवला, आंवले से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। नंबर दो, नींबू से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। नींबू से क्या मिलता है हमें, विटामिन सी मिलता है। जितने भी खट्टे फल हैं उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आंवले से विटामिन सी की प्राप्ति, नींबू से विटामिन सी की प्राप्ति, खट्टे फलों से विटामिन सी की प्राप्ति, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना, हरी मिर्च में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं हम विटामिन सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी यूरिन में पाया जाता है, यूरिन में प्रेजेंट होता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जियों को धोने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। घाव को ठीक करने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन सी सहायक है। घाव को ठीक करने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन सी सहायक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, मानव यूरिन में पाया जाता है। सब्जियों के धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। घाव को ठीक करने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन सी। और विटामिन सी के सोर्सेज हम देख चुके हैं, विटामिन सी के सोर्सेज कौन कौन से थे, आंवला, नींबू, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देख लीजिए आप, मिर्च। बात करें अगर हम मिर्च की, तो मिर्च से हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो मिर्च का तीखापन, कि मिर्च का तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको याद रखना है मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्सेथिन की उपस्थिति के कारण। मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्सेथिन की उपस्थिति के कारण। और मिर्च का तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण, ये आपको याद रखना है। किसकी उपस्थिति के कारण, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। अब हमें याद कैसे रखना है, तो मिर्च कैसी होती है, तीखी, और तीखी होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, सी, तो आपको याद रखना है कैप्सेसिन में क्या है, सी। तो मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और ये कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, अब हम विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग देख लेते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, ये आपको याद रखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। और इसी स्कर्वी रोग को क्या कहा जाता है, नाभिक रोग, आपको ये बात भी याद रखनी है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग, या फिर इसका ही नाम क्या हो जाएगा, नाभिक रोग।
तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।